Now we will study Ampere's law. Which actually relates magnetic field and current. Okay. So if you have a current carrying loop or a coil in which current is flowing, let's say I current is flowing in this coil. Okay. So if current flows in loops, then a magnetic field is induced. इस लूप के आसपास आप कोई मैग्नेट लाएंगे तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होगी. ओके, सो इनसाइड दिस लूप देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेफिनेटली आउटसाइड दिस लूप आल्सो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट्स से दिस इज एन अ सेंटर ऑफ दिस कॉइल विच इज एट अ डिस्टेंस आर. द रेडियस ऑफ दिस कॉइल इज आर. तो एक चीज नोटिस की गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां ऑब्जर्व की जाएगी इनसाइड दिस सर्कल या लूप, उसकी इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कितना करंट फ्लो हो रहा है. ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगी. तो गॉस मीटर होते हैं जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स मीटर भी बोलते हैं. यहां आप लगाएंगे, जैसे करंट नापा जाता है वैसी इस मैग्नेटिक फील्ड को नापेंगे. यू विल फाइंड दैट जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी. एक दूसरी चीज ये कि जितना बड़ा ये लूप होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. यानी मैग्नेटिक फील्ड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दिस लूप. कितनी दूरी पर करंट है, जितना दूर होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी. इफ यू कंबाइन द टू यू विल गेट दैट एक्चुअली B is proportional to I upon R. और आप a constant से replace करें तो you will get a constant which is mu naught upon 2 pi I upon R. Mu naught upon 2 pi I upon R, जहां mu naught upon 2 pi is a constant और mu naught अपॉन 2 पाई एक कॉन्स्टेंट है. इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वीबर पर एम्पियर मीटर. वीबर पर एम्पियर मीटर शुड मेक डब्ल्यू कैपिटल. ठीक है, जहां वीबर इज मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, ए इज करंट, एम इज मीटर. तो वीबर पर एम्पियर मीटर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की ये यूनिट. Fine, just a constant. लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली अरेंज करें ना, तो ये देखिए b into, गौर से देखिएगा, अगर मैं इस 2 pi r को यहां ले जाऊं becomes equals to mu naught i. b into 2 pi r is equals to mu naught i. और ये 2 pi r सर्कल का क्या होता है, what is 2 pi r? तो हम कहेंगे circumference of a circle with radius r is 2 pi r. तो actually ये total length है इस loop की. यहां से शुरू कीजिए, लौट कर आइए यहीं तक. Total length. Fine. तो b into total length is equals to mu naught i. ये आ गया हमारे पास. कुल मिला के हम ये भी लिख सकते हैं. See, if you just divide this लूप या कॉइल इनटू स्मॉल स्मॉल डीएल सेक्शंस, छोटे छोटे डीएल सेक्शंस में डिवाइड करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ओवर ये कर्व सरफेस सी मान लीजिए, इसका टोटल इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के. सही बात. तो अब हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज बी इज कॉन्स्टेंट राइट, ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन आई. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि बी इंटीग्रल 2 पाई आर की जगह डीएल एट सी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. आर एक्चुअली ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है. तो फाइनली एट लास्ट यू कैन राइट दैट इन द इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. और एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में रिलेशन होती है, दैट बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच. जहां बी इज मैग्नेटिक
फ्लक्स डेंसिटी, ये है इंटेंसिटी, रिलेशन है जैसे ई और डी में होता है, क्या डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, वैसे ही बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, तो बी बाय म्यू नॉट हो जाता है एच के बराबर, तो आप लिख सकते हैं दोनों साइड को म्यू से डिवाइड देंगे तो बी डॉट डी एल बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट, यहाँ म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, ये हो गया बी बाय म्यू नॉट विच इज एच, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू द करंट इन द लूप, ये है एम्पियर्स लॉ। H dot dl line integral of the magnetic field intensity along a closed path is equal to the current enclosed in the loop or the coil. Fine? ये हुआ आपका Ampere's law. ये क्या हुआ आपका Ampere's law. अब एक और concept है कि क्यों ये Ampere's का law जो है या Ampere's law है ये अधूरा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट पहले पढ़ेंगे, वाटर डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद देखेंगे कि कैसे मैक्सवेल ने इस एम्पियर्स लॉ में एक मॉडिफिकेशन किया, उसकी जरूरत पड़ गई थी मॉडिफिकेशन, वी विल सी दैट। ओके, सो नाउ वी विल लर्न एंड स्टडी अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ने के लिए मान लीजिए यू हैड अ लूप इन विच करंट वॉज फ्लोइंग, तो मान लीजिए यू हैड अ बैटरी और इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्पियर लॉ वॉज वैलिड, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंटेंसिटी वगैरह सब निकाल सकते हैं। द प्रॉब्लम विल बी इफ दिस सर्किट इज ब्रोकन बाय अ कैपेसिटेंस, तो अब सर्किट ये नहीं है, सर्किट है हमारा ये, ठीक है, ये सर्किट है, तो दिस इज वोल्टेज बैटरी V और ये कैपेसिटेंस है, और आप जानते हैं कैपेसिटेंस के बीच में यहां इस जगह एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा होता है और डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग नहीं होता है, तो ये बात तो तय रही कि इलेक्ट्रॉन्स जिस तरीके से इसमें मूव कर रहे थे क्लोज्ड पाथ में, पूरा इलेक्ट्रॉन घूमकर या कहें हम नेगेटिव से निकल के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में जा रहा था, उसका ऑपोजिट साइन कर लीजिए, वो यहां तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी ओपन बाउंड्री आ गई जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डाइलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रॉन इससे पार नहीं जा सकते अगर वोल्टेज ज्यादा नहीं है, तो एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जिसकी जो इतना ज्यादा वोल्टेज होता है कि एयर भी कंडक्ट करने लग जाती है, ठीक है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट एनीवेज, बट द थिंग इज यहां से चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी आप प्लीज साइन रिवर्स कर लीजिएगा, द साइन शुड बी लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स यहां रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर कंडक्टिंग तो नहीं होगा, तो यहां पे जो करंट होगा इट इज नॉट कंडक्टिंग करंट, बट स्टिल वी सी कि हमने देखा है कैपेसिटेंस को अगर आप वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाए तो कैपेसिटेंस चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो ये चार्जिंग की फेनोमेना और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या रिलेशन है, लेट अस सी दैट। सबसे पहली चीज आप मानिए, यू नो दैट सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है किसके बराबर, गॉस लॉ से, क्यू बाई एप्सिलॉन के, ओके, अब ds was a small elemental area, मान लीजिए it is constant, parallel plate capacitor लिया जिसका area एक plate का a है, तो हमारे पास हो गया e dot a, e is constant बाहर निकालिए, integration of ds is a is equals to q by epsilon naught, then we get e is equals to q by epsilon naught a where a is the area of any plate, parallel plate capacitor के लिए, okay? अब क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब समय के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रही है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बदल रहा है, तो समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, तो वी वांट टू
फाइंड आउट वी आर इंटरेस्टेड इन नॉट जस्ट ई बट रेट ऑफ चेंज ऑफ ई ऑल्सो. तो इसको डेरिवेटिव ले लीजिए इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड व्हेन यू विल डू दैट, सो आर इक्वेशन हैज बिकम फॉर कैपेसिटर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए. नाउ इफ यू टेक डेल ई बाय डेल टी, ठीक है, डेल ई बाय डेल टी लिया, देन आई हैव वन अपॉन एप्सिलॉन ई डी क्यू बाई डी टी. क्यों? एप्सिलॉन और ए तो कॉन्स्टेंट था, एप्सिलॉन तो फ्री स्पेस का कॉन्स्टेंट होता है, और ए हमने एरिया जो है कैपेसिटेंस प्लेट का वो थोड़ा ना बदल रहा है, वो तो सेम है. अब डी क्यू बाई डी टी दरअसल एक करंट है, देख लीजिए, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट. तो ये अपने आप में करंट है. आई कैन राइट दैट वैल्यू एप्सिलॉन इंटू ए इंटू डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू सम करंट, ठीक है. और इसी करंट को, विच इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी समय के साथ में, ए एक एरिया है और एप्सिलॉन उस डायलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी है जो आपने अपने कैपेसिटर में भरी है, तो एक स्पेशल तरीके का करंट उत्पन्न होगा जिसे हम बोलते हैं आईडी, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट. और अगर आपका सोर्स ऐसा है जिसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट चेंजेस विद टाइम, यानी डी बाई डी टी अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगा. ओके, तो ये है कहानी डिस्प्लेसमेंट करंट की. जब आपके पास एक डायलेक्ट्रिक बाउंड्री आ जाए लूप के बीच में, तो करंट विल नॉट फ्लो डायरेक्टली, करंट विल फ्लो थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट. वो कंडक्टिंग करंट नहीं होगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं. फाइन, अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट को और थोड़ा सा एनालाइज कीजिए. सी, एक्चुअली ए इज कॉन्स्टेंट एनीवेज, तो अगर हम उसे डेरिवेटिव के अंदर ले भी जाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट वी विल टेक इट इनसाइड द डेरिवेटिव. नाउ यू सी, आई डी इज इक्वल्स टू सम एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी, ए कॉन्स्टेंट है तो अंदर भी ला सकते हैं, ई ए, ठीक है, ई ए ऐसे ले आए हम. ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये फ्लक्स कहलाता है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो उस एरिया से, ये कैपेसिटेंस की प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसका एरिया ए है, यहां कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसके टाइम डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है. तो मान लीजिए इस ई ए को मैं कोई नाम देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई. हम लिख सकते हैं माई करंट आई डी is nothing but equals to what? Epsilon del phi by del t. एक तो ये तरीका इसको लिखने का, ठीक है? Provided ये जो एरिया है ये सेम है, और इन दोनों का जो गैप है बीच का डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा वी जैसा नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ओनली फॉर दैट केस, ठीक है. एक और तरीका भी है इसी चीज को लिखने का. सो If you have same formula, तो एक formula तो ये है जहाँ del phi is electric flux. दूसरा है कि instead of writing it as current, we can write it as current density. तो let's say ID is displacement current. Okay? तो current upon area is current density. We will call this as displacement current density. Okay, I'll call it displacement current density. Now you look at that formula. Epsilon naught A del E by del T, E is a vector, is equals to ID. Fine. अब बस कुछ नहीं करना है आपको. इस A को इससे divide दे देना. इस ID को A से divide दे देना. You will get epsilon del E by del T is equals to ID by A, which is nothing but JD. Displacement current density, तो we can write that displacement current density JD, अब क्योंकि area is a vector ना, उसे divide किया तो ये भी vector हो जाएगा, is equals to epsilon naught time
time derivative of the electric field. Okay. Epsilon naught time derivative of the electric field. अब इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और पॉसिबल है. यू कैन टेक एप्सिलॉन इनसाइड द टाइम डेरिवेटिव. तो वी हैव JD इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यू कैन राइट JD इज इक्वल्स टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक्चुअली JD या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ D. ओके, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डी. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट वेक्टर जो पहले हमें मिला था. ओके, इसे डायलेक्ट्रिक भी बोलते हैं. सो वी हैव गॉट डिस्प्लेसमेंट करंट वेक्टर. दिस इज एम्पियर्स लॉ इन इट्स डिफरेंशियल फॉर्म. या हम कहें डिस्प्लेसमेंट करंट की ये डेफिनेशन है अभी. अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ पे. यानी इस डिस्प्लेसमेंट टर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा जब आपके लूप में कहीं कैपेसिटर फंसा होगा. वी विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो.